मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर मशरूम, शाही मटर मशरूम बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 2 बड़े प्याज हैं, 2 छोटे टमाटर हैं, थोड़ी सी हमने कद्दू खरबूजे के बीज और मूंगफली के दाने लिए हैं, अदरक है, हरी मिर्च है, थोड़ा मटर है 2 चम्मच करीब, धनिया पाउडर, और इसके लिए देसी घी है, और मसाला है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अपने हिसाब से लें, आप अपने स्वाद के अनुसार जैसा आप नमक खाते हैं उसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इससे 2 चम्मच नमक लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन रख दिया, इसमें मैंने डाल देंगे इसमें 2 चम्मच घी। थोड़ा सा डाल देंगे, 3 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1 बाइट हरी इलायची, प्याज डाल देंगे। इसमें प्याज को पहले भून लेंगे थोड़ा गोल्डन होने तक। प्याज हमारी गोल्डन थोड़ी सी हो चुकी है, हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा लाएंगे, साथ में डाल देंगे टमाटर। थोड़ा इसमें डालेंगे नमक, नमक डालने से जल्दी गल जाते हैं। थोड़ा सा डालेंगे बाद में। जब तक हमारी प्याज हो रही है, हम जब तक मिक्सी में डालते हैं मूंगफली के दाने और कद्दू के बीज पीस लेते हैं मिक्सी में डाल के, उनका पेस्ट बना लेंगे। ये मूंगफली के दानों को मैंने 1 घंटे भिगो दिया था, इनके छिलके उतार दिए हैं। टमाटर और प्याज मैंने भून चुकी है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 मिनट ठंडा करेंगे, फिर मिक्सी में इसको पीसेंगे। ये ठंडा हो चुका है, इसको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, और जब तक कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में तेल डाल के हम रख देंगे, घी डाल के, सॉरी, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे घी थोड़ा सा, शाही मटर मशरूम पनीर, शाही मटर ये देसी घी में बहुत अच्छी लगती है। डाल देंगे पेस्ट टमाटर का, प्याज का पेस्ट साथ में डाल देंगे देसी घी में, नहीं तो महक आ जाएगी। ये भुना हुआ है, इसको थोड़ा ही भुनेंगे। साथ में सारे मसाले डाल देंगे, गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। ये तीखी नहीं है ज़्यादा मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी डाल रखी है ना, ये थोड़ा कलर लिए हुए है अंदर। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार सबको मिला लेंगे।
डालेंगे फ्रेश क्रीम। आपके पास अगर ये ना हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। जब तक हमारा मसाला भून रहा है जब तक मैं मशरूम को काट लेती हूँ। गरम पानी हमने रख दिया है, इसमें मशरूम को काट के डाल देंगे, जिससे इसमें काट के डालने से गरम पानी में इसकी थोड़ी जो महक होती है स्मेल वो सारी निकल जाएगी पानी के साथ। इस तरह से सारे मशरूम इसमें डालेंगे। उसका पेस्ट बीजे और मूंगफली के दानों का पेस्ट है। आप मूंगफली की जगह काजू भी ले सकते हैं। ये मशरूम हमारे बॉयल हो चुके हैं, इनका पानी से निकालेंगे इनको बाहर। में ये डाल देंगे मटर के दाने भी इसमें थोड़ा, जिससे गल जाए ये मटर। धीमे-धीमे आंच में इनको बनने देंगे, मसाले को भुनने देंगे जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता घी। मसाला हमारा भुन चुका है, में डालेंगे मशरूम। ये पानी से गर्म पानी से निकाल के रख लिए। मशरूम को हम 10 मिनट पकने देंगे, फिर इसको निकालेंगे एक बाउल में। थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, बस इतना सा। धीमी धीमी आंच में इन्हें पकने देंगे हम 10 मिनट के लिए बस। कढ़ाई को देंगे ढक इसको इस तरह से। 10 मिनट हो चुके हैं, मेरा मटर मशरूम तैयार हो चुके। ये देखिए तेल भी अलग हो गया, घी सॉरी। डाल देते हैं धनिया। दो मिनट बाद इनको एक निकालते हैं बॉल में। इनको निकाल दिया एक बॉल में मशरूम को। धनिया पत्ती डाल देते हैं ऊपर से गार्निश के लिए। अगर आप लोगों को हमारे मशरूम अच्छे लगे हों इसको तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।